नमस्कार दोस्तों, रेजिस्ट्री सिंडिकेट में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम एनसीईआरटी के सेक्शन में निर्धनता टॉपिक को, इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है, उसको कवर करने का जो प्रयास करेंगे। तो एनसीईआरटी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और बीच बीच में उसके लेक्चर अपलोड किए जाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इकोनॉमिक्स के निर्धनता एक चुनौती, यहाँ पे जो अंकित किया गया है निर्धनता एक चुनौती को समझने का जो प्रयास करेंगे इस लेसन को, और इस लेसन के अंत में इस पे आधारित जो भी अभ्यास के प्रश्न होंगे उसको भी समझने का जो प्रयास करेंगे कि किस तरीके से ये सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है इसी एक्सप्लेनेशन में जो है आप लोगों को मिल जाएगा। तो निर्धनता एक चुनौती को जो है एनसीईआरटी के चैप्टर में जो एक कहानी दिया गया उसको हम संक्षिप्त में जो है देखने का प्रयास करेंगे, शॉर्ट में देखने का प्रयास करेंगे। एक व्यक्ति जिसका नाम राम शरण है, वो झारखंड के रांची में एक गेहूं की जो है फैक्ट्री या मिल में जो है काम करता है, और उसको इस तरीके से जो है मिलाकर 1500 रुपये जो है प्राप्त हो जाते हैं। इसके 4 बच्चे हैं और एक जो है पत्नी, तो कुल मिलाकर के 5 और 1 वो स्वयं 6 लोग उसके परिवार में हैं, और इसके माता पिता जो है ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। ये उसके पारिवारिक संरचना है। अब हम इस बात को देखेंगे कि ये 1500 रुपये प्राप्त करता है, तो 1500 रुपये में आज की डेट में किसी भी व्यक्ति की संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। अब स्वतः इसकी जो है पत्नी जो है वो 800 रुपये के काम पे जो है 800 रुपये के जो है वेतन मान पर या मानदेय के आधार पर ये विभिन्न प्रकार के घरों में काम करती, जिससे इसको मिल जाता, फिर भी इसकी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती। जिसका जो बड़ा वाला बच्चा है वो 300 रुपये के हिसाब से जो है एक चाय की दुकान पर काम करता है। तो कुल मिला करके इसको देखा जाए तो 2600 रुपये टोटल प्राप्त होते हैं। अब ये मान करके चलिए कि अगर ये 10 साल पहले की भी बात है, तो 2600 रुपये में एक व्यक्ति अपने पूरे माह के खर्चों को कैसे पूरा कर सकता है। अब यहाँ पर समस्या जो हम व्याख्या करने का प्रयास कर रहे हैं वो उसकी निर्धनता से कैसे जुड़ा हुआ है बेसिकली। अब ये अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहा है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहा है। इसके एक बच्चे की जो है तबीयत खराब होती है, अर्थात इसके यहाँ पे स्वास्थ्य की भी जो है समस्या है। इसके माता पिता जो है बुजुर्ग हो गए हैं और गाँव में जो है रहते हैं, उनके यहाँ पे जो है अच्छे किस्म के घर नहीं है, तो यहां पे जो है आवास की भी जो है समस्या। और चूंकि ये 2600 रुपये की आय में जो है अपने फैमिली की जरूरत के लिए जो भी न्यूट्रिशंस पे खर्चा किया जाना है या जो भोजन पे इसको खर्चा करना वो उच्च स्तरीय है, जैसे प्रोटीन इत्यादि और इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट वसा जो कि एक मिनिमम मात्रा निर्धारित की हुई है वो भी जो है प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि इसके पास जो है खाने के लिए जो है पैसे बहुत ज्यादा नहीं बचते हैं, अर्थात इसके पास जो है भोजन की भी जो है गुणवत्ता की जो है समस्या बनी होती है। अभी कहानी के माध्यम से जो है एक कहानी के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से गरीबी के कई आयाम होते हैं, और इन सभी वेरिएबल्स, इन सभी चरों के माध्यम से, इन सभी पॉइंट्स और बिंदुओं के माध्यम से जो है स्पष्ट होता है, व्यक्त होता है कि अगर व्यक्ति के पास भोजन, वस्त्र, मकान, आवास, इस तरीके की जो बिजली की व्यवस्था, रसोई घर में पर्याप्त चीजें नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं, तो इन्हीं आधारों पर हम जो है निर्धनता की अवधारणा को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह हो गया कि इन सभी बिंदुओं के माध्यम से निर्धनता की अवधारणा को व्यक्त किया जाता है, अर्थात निर्धनता एक बहुआयामी अवधारणा है जो व्यक्ति की मूलभूत विभिन्न प्रकार की जरूरतों के अभाव के रूप में व्यक्त होती है। अभाव का मतलब नहीं है, तो ये तो रही जो है स्थिति निर्धनता की। अब हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि निर्धनता की एक परिभाषा या निर्धनता के जो अर्थ को देखें, ये तो हम निर्धनता को जो समझने का इसके माध्यम से प्रयास किए कि निर्धनता एक ऐसी आर्थिक स्थिति या स्थिति होती है जिसमें ये चीजें जो है या इनमें से कुछ चीजें जो है होने के बावजूद भी सभी चीजें नहीं होती हैं। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति की वह स्थिति जिसमें वह अपने जीवन को जीने के लिए मूलभूत बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, वह स्थिति ही निर्धनता कहलाती है, निर्धनता कहलाती है। तो वो ऐसी स्थिति में रह रहा है जिसमें वो जीवन जीने के लिए व्यक्ति की कई जरूरतें होती हैं, बहुत ऐसी जरूरतें होती हैं जिनके बगैर भी व्यक्ति जीवन जी सकता है, वो काफी खर्चीली चीजें हो सकती हैं,
और वो जीवन जीने के लिए अति आवश्यक तो नहीं है। ये बात और है कि व्यक्ति की इच्छा होती है, इच्छा और आवश्यकता में अंतर होता है कि आवश्यकता जो है वो बुनियादी है, वो मूलभूत है, लेकिन इच्छाएं तो अनंत हो सकती है। तो इच्छा की बात नहीं, यहाँ आवश्यकता की बात है कि व्यक्ति के जीवन के लिए जो है ये आवश्यकताएं जो है यहाँ पे होती हैं। तो कुल मिलाकर के जो है ये बातें यहाँ पे निकल करके सामने आती हैं कि उनके पास जो है आवश्यकताएं जो होती हैं उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है, और वो स्थिति जो है निर्धनता के रूप में। अब निर्धनता के बाद एक निर्धनता रेखा भी होता है, निर्धनता रेखा। एनसीईआरटी के स्तरों को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसका अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। यद्यपि हम सिविल सेवा के पाठ्यक्रम पर आधारित भी इकोनॉमिक्स की जो है क्लासेस को आने वाले समय में जो है स्टार्ट करेंगे, जिससे आपको जो है सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है प्रिपरेशन का जो है मौका मिलेगा, समझ विकसित होगी। लेकिन अभी हम लोग जो है यहाँ पे एनसीईआरटी के पैटर्न पर या ऐसे नवोदित स्टूडेंट जो अभी सिविल सेवाओं के क्षेत्र में अपनी तैयारी के लिए अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं, उनके लिए उनके दृष्टिकोण से जो है ये चीजें हम लोग देखने का प्रयास। निर्धनता रेखा क्या होता है? जैसे समाज है, वहां पे अगर हम मान लीजिए जो है वहां पे 10 लोगों के जो है उदाहरण को लेते हैं, अगर एक व्यक्ति की जो है 50,000 उसकी जो है मासिक आय है, अगला है जो है 40,000, अगला है 20,000, इसी तरीके से 15,000, 10,000, 8,000, 7,000, 6,000, 5,000, 5,000। तो मतलब 50,000, 40,000, 20,000, 15,000, 10,000, 8,000, 7,000, 6,000, 5,000, या इसी तरीके से आप 3-2 जहां तक भी जा सकते हैं। अब यहां पर अगर ये लोगों की इनकम है, लोगों की जो है ये इनकम बन रही है, तो अब यहां पर ये समस्या उत्पन्न होती है कि हम इनमें से किन व्यक्तियों को जो है निर्धन माने। तो एक ऐसी स्थिति होगी, एक ऐसी आय होगी जहां पर व्यक्ति जो है अपने मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में जो है सफल नहीं हो पाता है। अगर मान के चलिए आज की डेट में हम सामान्य रूप से उदाहरण के रूप में इसको देख लेते हैं कि 8,000 वाला व्यक्ति है, 8,000 की स्थिति में अगर कोई भी चार परिवार, चार सदस्यों वाला परिवार अपनी जीवन की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा, 10,000, 15,000 या इससे ऊपर का व्यक्ति जो है अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को मान के चलते हैं कि पूरा कर लेता है किसी तरीके से, तो यहां पर इन दोनों के बीच में एक रेखा होगी। यह एक पूर्णतया जो है काल्पनिक रेखा होती है, और इसी रेखा को ही हम जो है निर्धनता जो है रेखा के नाम से जानते हैं। अब ये विभिन्न प्रकार के, ये तो इनकम के आधार पर हो गए, ये जो है इसका जो वेरिएबल्स जो है वो आय पे। इसी तरीके के जो है एक स्थिति और हो सकती है जो व्यक्ति के भोजन के रूप में व्यक्त होती है, जैसे भोजन के लिए कुछ मूलभूत चीजों की एक जो है सूची बना दी गई, व्यक्ति जो है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, दाल, दूध, फल, सब्जी, इस तरीके की चीजों की अगर सूची बना दिया गया और एक व्यक्ति उन सभी चीजों को खाने में सफल है, तो निश्चित तौर पर वो गरीब नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनके पास एक दो ही चीजें उसमें से मिल रही हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं चार चीजें, कुछ ऐसे चीज हैं छह, कुछ ऐसे लोग आठ। तो इसमें सबको ना तो हम अमीर मान सकते हैं, सबको ना तो हम गरीब मान सकते हैं, निर्धन मान सकते हैं। तो एक लिमिट होगी एक समय समय पर, अभी हम उसको देखेंगे कि किस तरीके से वो और किस संस्था के द्वारा इसका निर्धारण रेखा का किया जाता है। तो एक संख्या होगी जो कि मिनिमम ये मान करके चलते हैं कि अगर इतनी चीजें व्यक्ति खा रहा है तो ये माना जा सकता है कि उसके जरूरतें जो है पूरी हो रही हैं और उसे निर्धन नहीं माना जा सकता। मान लीजिए 10 में 6 को रख दिया गया कि जो व्यक्ति 6 चीजें कम से कम पा रहा है वो निर्धन की श्रेणी में नहीं आएगा। तो ये उन सभी भोज्य पदार्थों के उपभोग पर आधारित कैलोरी का मानक भी जो है अपनाया गया है। तो इन दोनों के आधार पर एक आय का मानक हो गया और एक दूसरा जो है कैलोरी उपभोग हो जाता है, दूसरा जो है कैलोरी उपभोग हो जाता है आय जो है। अभी समय समय पर पूर्व में जो है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और शहरी क्षेत्रों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इसमें ये बात थी कि 2400 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति
ये फैक्ट है कि प्रति व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन अगर 2400 कैलोरी या इससे ऊपर जो है लिया जा रहा है, तो वो व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में जो है निर्धन नहीं माना जाएगा। इसी तरीके से जो है शहर के क्षेत्रों में जो है इसे जो है 2100 कैलोरी के रूप में बताया गया। एक जो है बेसिक डेटा है और परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, और ये हम कहीं भी लिखने के दौरान इसका उल्लेख करते हैं तो आपका उत्तर प्रभावी होगा। तो 2400-2100 ग्रामीण क्षेत्रों में लोग ज्यादा मेहनत करते हैं, कुछ ज्यादा खाने की आवश्यकता होती है, शरीर की ज्यादा जरूरत होती है, तो ये 2400 कैलोरी की बात है। इसी तरीके से शहर के क्षेत्रों में जो है यहाँ पे लोग मानसिक कार्य ज्यादा करते हैं और कुशल काम करते हैं, अकुशल और शारीरिक काम करते हैं कम करते हैं, इसलिए 2100। लेकिन जब यहाँ पे आय की बात होगी तो ये 816 की बात है और ये 1000 की बात है। ये 2011-12 के जो है आंकड़े हैं, काफी पहले के आंकड़े हैं और ये समय समय पर बढ़ता जाता है। तो ये इनकम के आधार पे जो अभी हम लोगों ने ये बात किया, और ये जो है कैलोरी है जो कि उपभोग के आधार पर हुआ। तो दो ये मानक होते हैं किसी व्यक्ति के गरीबी या निर्धनता रेखा का निर्धारण करने के लिए। भारत में प्रति 5 वर्षों के आधार पर जो है प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आधार पर, सैंपल सर्वे के आधार पर, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन जिसको NSSO कहा जाता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO की स्थापना की गई है, जो 5 वर्ष के बाद जो है सैंपल सर्वे जो है सैंपलिंग करता है सर्वे, और उसके आधार पर जो है सर्वे के आधार पर जो है निर्धनता रेखा का निर्धारण किया जाता है। तो ये बातें जो है निर्धनता रेखा के संदर्भ में भारत में रही हैं। निर्धनता रेखा के बाद हम लोग जो एक और फैक्टर जो है देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में जो निर्धनता की जो स्थिति है वो भी जो है आसमान है। जैसे सामाजिक अगर हम समूहों की बात करें तो सामाजिक समूहों में अगर देखें तो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों की स्थिति अभी अन्य जो है सामाजिक समूहों की अपेक्षा जो है पिछड़ी हुई है। तो ये सबसे जो है रसातल सबसे ग्रास रूट लेवल पर है, जिनके सुधारने के लिए सरकार के द्वारा समय समय पर लक्षित वर्ग को ध्यान में रखते हुए योजनाएं भी चलाई जाती है। लक्षित वर्ग का मतलब वह वर्ग जिनकी स्थिति कमजोर है और जिनकी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सरकार कार्यक्रम संचालित करती है। तो यहाँ पर ये हो गया। अभी आर्थिक समूहों की बात करें, जैसे ये तो सामाजिक समूह हो गया, आर्थिक समूहों की अगर बात करें तो इसमें जो है ग्रामीण क्षेत्र के भूमिहीन किसान हो गए, क्योंकि उनको दूसरे के खेतों में काम करना पड़ता है, उनके शर्तों पे काम करना। जैसे हम पिछली बार हमने जो देखा था कि भूमि अगर कम है तो वहां पे छतपाल सिंह नाम का एक जो किसान था, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि वह उसे जो है अत्यधिक जो है ऊंची ब्याज दर पर लोन देता है, जिससे वह उसे लोन की चुकता करने में अपनी जिंदगी को जो है खपा देता है। तो कहने का मतलब जो भूमिहीन किसान है, जो श्रमिक है, मलिन बस्तियों में रहने वाले शहरी क्षेत्र के लोग हैं, ये आर्थिक समूह है, और इन आर्थिक समूहों की स्थिति जो है बहुत ही निर्धनता की स्थिति है। और अगर हम पारिवारिक स्थिति में देखें तो पारिवारिक जो है समूहों में कुल मिलाकर के महिलाएं हैं, वह महिलाएं जो डिपेंडेंट नहीं हैं, वह महिलाएं जो डिपेंडेंट नहीं हैं, अर्थात उनके पास आय का निश्चित स्रोत अपने व्यक्तिगत स्तर पर नहीं है, बच्चे हैं, इसी तरीके से बुजुर्ग हैं जिनको पेंशन नहीं मिल रही, जिनके पास किसी आय का स्रोत नहीं है, तो ये पारिवारिक सदस्यों में वर्ग में जो आते हैं, जिनकी जो है स्थिति निर्धनों की है। और निर्धन वो किस आधार पर है, क्योंकि उनकी ना तो आय है और ना ही पर्याप्त कैलोरी के भोजन वो प्राप्त कर रहे हैं। तो हम तुलनात्मक रूप से ये देखा कि जो है तुलनात्मक रूप से हम लोगों ने देखा कि विभिन्न प्रकार के जो समूहों में, यानी कि सामाजिक समूह, आर्थिक समूह और पारिवारिक समूहों में किस तरीके की स्थिति देखने को समाज में मिल जाता है। ये सभी जो चीजें हैं वो निर्धनता के भाव को, अवधारणा को व्यक्त करते हैं। अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें, क्योंकि वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें तो यहां पर कहीं ना कहीं जो है विकसित देश, विकासशील देश और अल्प विकसित देश, तीन प्रकार की कैटेगरी जो है। विकसित देश वह होते हैं जो विकास के उच्च स्तर को प्राप्त कर चुके होते हैं, वहां पे भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें सब जो है चमाचम होती है, जो है ये सारी चीजें जो है बहुत अच्छी स्थिति में होती है। और दूसरी तरफ जो है विकासशील देश होते हैं जिसमें भारत अभी प्रतिनिधित्व कर रहा है,
कि ये अपने निर्धनता की स्थिति से निकलने के लिए विकास के पथ पर चल चुके हैं, अपना जीडीपी बढ़ा चुके हैं, प्रति व्यक्ति आय बढ़ गया, लेकिन अभी भी इनके यहाँ समस्याएं हैं, रोजगार की है, शिक्षा की, स्वास्थ्य की है, लेकिन ये आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ऐसे देश हैं जो कि अभी तक अफ्रीकन कंट्री जिसका जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे कि ये अल्प विकसित देश हैं जिनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और इसी तरीके से आधुनिकता के मानक में जो है ये बहुत पीछे हैं। तो इस प्रकार से ये तीन ही राष्ट्र आते हैं। विकसित देश जो हैं वो काफ़ी एडवांस हैं, इसमें आपके यूरोप के देश, उत्तरी अमेरिका के देश, ऑस्ट्रेलिया के देश जो है शामिल होते हैं। तो इस प्रकार से ये स्पष्ट होता है कि पूरी दुनिया में जो है देश जो है वो विकसित, विकासशील और अल्प विकसित के रूप में जो है बटे हुए हैं। विकसित देशों की स्थिति अच्छी है और विकासशील देशों की स्थिति उनसे थोड़ी सी कम स्थिति अच्छी है, और अल्प विकसित देशों की स्थिति अभी भी जो है काफ़ी ख़राब है, जिनमें विकास की ज़रूरत है। अब हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि भारत में जो निर्धनता के लिए क्या कारण रहे हैं। भारत में निर्धनता बेसिकली जो है भारत आजाद होने के पूर्व 200 वर्षों तक जो है अंग्रेजों का गुलाम था, एक औपनिवेशिक शासन की स्थिति विद्यमान थी और कहीं ना कहीं अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां भी भारत को निर्धन बनाने के लिए उत्तरदायी हैं। अब वो किस तरीके से भारत में जब वो आए तो उन्होंने एक तरफ तो पहले यहाँ पे अपने वस्तुओं का व्यापार करना शुरू किए, ज़्यादा विभिन्न क्षेत्रों से करों को वसूली शुरू किए और धीरे धीरे जो है अपने इंग्लैंड का जो है औद्योगिकरण जब प्रारंभ हुआ तो यहाँ पर उन्होंने यहाँ की शिल्पकारी जो व्यवस्था थी उसको नष्ट कर दिया। और इसका क्या परिणाम, दुष्परिणाम हुआ कि यहाँ शिल्पकारी व्यवस्था नष्ट हो गई और कच्चे माल ब्रिटेन में जाने लगे, इंग्लैंड में जाने लगे, तो वहां से जो है बने बनाए माल आने लगे। तो बने बनाए माल जब आने लगे तो लोगों के पास खरीदना ही था और उत्पादन करने से जो उनका कोई काम जो नहीं रह गया, क्योंकि उत्पादन करने से ही इनको आय प्राप्त होता है, मुनाफा प्राप्त होता है, तो कर भी नहीं सकते थे क्योंकि यहाँ की सरकारी व्यवस्था नष्ट हो गई थी। तो ऐसी स्थिति में भारत के पास जो केवल खरीदना ही था, और खरीदने की एक सीमा होती है क्योंकि उसके बाद व्यक्ति के पास जब पैसे ही नहीं बचेंगे तो व्यक्ति जो है कैसे वस्तुओं को खरीद पाएगा। तो ऐसी स्थिति में धीरे धीरे यहाँ पे रोजगार छिन गए और लोगों के आय जो है खत्म होते चले गए। दूसरी बात यह है कि भारत में तब इससे निपटने के लिए हरित क्रांति 1966-67 में प्रारंभ किया गया, लेकिन इसका प्रभाव, दुष्प्रभाव यह था कि जो है कुछ क्षेत्रों में ये पूरे इंडिया के लेवल पर जो है ये बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाई, क्योंकि ये कुछ क्षेत्रों में कुछ किसानों के पास और कुछ फसलों तक ही सीमित रह गई। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है गेहूँ था और चावल था, मोटे अनाज, कुछ ऐसे फसल थे जिनमें जो है सफलता प्राप्त हुई। किसानों की बात करें तो जो बड़े किसान थे जिनके पास जो है पूंजी था, जिनके पास यंत्र थे कृषि, वही जो है आगे बढ़ पाए। सीमांत किसान जैसे जिनके पास जो है 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है और उन लोगों को छोटे किसानों में शामिल किया जाता है, तो वो भी जो है इस हरित क्रांति से बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त नहीं कर पाए। इसी तरीके से क्षेत्रों की बात किया जाए तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित कुछ ही क्षेत्र थे जहाँ पे ये सफल हो पाई, तो पूरे देश में जो है ये सफल नहीं रही। और एक लंबा मिशन था जो भारत में, तो इससे जो है भी कहीं ना कहीं जो देखा जाए तो हम निर्धनता को समाप्त नहीं कर पाए। अगर संसाधनों की बात किया जाए तो कुछ ही ऐसे वर्ग थे जिनके पास संसाधन थे, यानी कि संसाधनों के वितरण में भी पर्याप्त असमानता देखी गई है। सभी लोगों के पास पर्याप्त संसाधन नहीं होते थे, ज़्यादातर किसान छोटे होते थे, उनके पास यंत्र नहीं होते थे और जो भी संसाधन थे वो कुछ ही वर्गों तक जो है सीमित था। और अगली जो व्यवस्था है वो ये था कि निर्धनता की स्थिति हमेशा निर्धनता को जन्म देती है। इकोनॉमिक्स में एक विचारक है रेगुलर नर्क से, जिन्होंने ये सिद्धांत भी दिया कि निर्धनता का दुष्चक्र इसे कहा जाता है, यानी कि कोई व्यक्ति अगर निर्धन है यानी कि उसका आय कम है, जब आय कम है तो वो बचत कम कर पा रहा है, बचत कम है तो निवेश कम कर पा रहा है, और निवेश जब नहीं करेगा तो उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा तो आय नहीं होगी, और जब आय नहीं होगी तो पुनः वो निर्धन बन जाएगा। तो ये इसका जो है एक पूरा सा पूरा जो है चक्र जो है यहाँ पे बन करके सामने आ जाता है। तो ये रही जो है कहीं ना कहीं इसके कारण। तो निवारण पर अगर हम लोग देखें, निवारण के लिए जो है सरकार ने निवारण के लिए 2 आयामी कार्य किया। एक तो जो है इन्होंने आर्थिक समृद्धि पर जो है बल दिया, और दूसरा जो है लक्षित कार्यक्रम से तात्पर्य था कि समाज में जो वर्ग जो है सबसे कमजोर है उसे लक्ष्य बना करके उसके विकास और कल्याण के लिए कार्यक्रम को आयोजित और संचालित किया जाए। आर्थिक समृद्धि जैसे भारत में अगर देखा जाए तो प्रारंभ में लगभग 30 वर्षों तक भारत की स्थिति बेहतर नहीं थी,
वहां पे आर्थिक समृद्धि का दर कहीं 2.5 से 3.75% तक ही सीमित था, और उस पीरियड में अगर देखा जाए तो भारत में निर्धनता का स्तर उच्च था। लेकिन 80 के बाद से भारत की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो चेंज होना शुरू हुआ, और 91 में आकर के उसमें काफी बदलाव किया गया, शिथिल किया गया, लिबरल किया गया, और इसी परिवर्तन के कारण से 1991 में प्रारंभ की गई आर्थिक नीति को नई आर्थिक नीति भी कहा जाता है, जो पूरी तरीके से लिबरल थी। इसके बाद जो है आर्थिक विकास के उच्च स्तर को लगभग 7% या उससे ऊपर हम लोग जो पहुंच गए, पूरी दुनिया में टॉप के जो है 10 कंट्रीज में आ गए, जहां की जो है आर्थिक समृद्धि ऊपर थी, तो निर्धनता हम लोगों ने घटाना शुरू किया। तो कहीं ना कहीं जो है आर्थिक समृद्धि और निर्धनता में जो है विपरीत संबंध था, उल्टा संबंध था, कि आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी तो निर्धनता कम होगी। लक्षित कार्यक्रम से तात्पर्य था, जो कि हमने बताया कि समझा समाज के कमजोर वर्गों के लिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 2004 ईस्वी में प्रारंभ किया गया जो है अनाज काम के बदले अनाज योजना, क्योंकि जब व्यक्ति काम करता है तो आय प्राप्त होता है, आय से अपने भोजन पे भी खर्च करता है, तो इन्होंने कहा सीधा हम इसमें काम के बदले अनाज की व्यवस्था लागू कर देते हैं 2004 में। 2005 ईस्वी में अगर देखा जाए तो कई कार्यक्रम शुरू किए गए, मुख्य रूप से 3 कार्यक्रम इसमें जो है NRHM और दूसरा था नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और 2005 में भारत निर्माण कार्यक्रम, भारत जो है निर्माण कार्यक्रम। अब यहां पर ये देखिए NRHM जो है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 12 अप्रैल 2005 को प्रारंभ किया गया, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की सुविधा को मुहैया कराने के लिए, यहां पे बाल मृत्यु दर को कम करना था, शिशु मृत्यु दर को कम करना था, मातृत्व मृत्यु दर को कम करना था, संस्थागत प्रसव यानी कि अस्पतालों में बच्चे के जो है जन्म के लिए जो है विभिन्न प्रकार के लोगों को प्रोत्साहित करना, उसके लिए अलग अलग धनराशियां भी जो है दी जाती थी जिससे वो जो है प्रोत्साहित होते थे, तो ये व्यवस्था थी। और 2013 में इसमें लाकर के परिवर्तन भी किया गया, 2013 में इसे जो है NUHM कर दिया गया, NUHM यानी कि नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, नेशनल जो है अर्बन हेल्थ मिशन, ये शहरी क्षेत्रों में, जैसे ये ग्रामीण क्षेत्रों में था वैसे शहरी क्षेत्रों में NRHM के अंतर्गत जो है यहां पर जो है आशा काम करती थी, और वहीं NUHM के अंतर्गत जो है ऊषा काम करना जो है शुरू कर दी। एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, अर्बन सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ये NRHM और NUHM के रूप में काम करती थी, सामान्यतया 1000 जनसंख्या पर जो है आशा को जो है पोस्टिंग दी जाती है, आशा वहां के जो महिलाओं के लिए, वहां के छोटे बच्चों के लिए, उनकी स्वास्थ्य पोषण इत्यादि के लिए ध्यान देती हैं, तो ये काम आशा और ऊषा के माध्यम से जो है संचालित किया जाना संभव हो पाया। इन्हीं सब व्यवस्थाओं के अंतर्गत भारत में प्रत्येक नया पंचायत में सामान्य एक जो है PHC यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, और ब्लॉक स्तर पर CHC यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की गई, और इसके माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो है स्वास्थ्य की सुविधा को मुहैया कराने का प्रयास किया गया। नरेगा जो है ये रोजगार के लिए प्रारंभ किया गया जो है कार्यक्रम है 2005 में आया, उसके बाद जो इसे 8 में पूरे देश में लागू कर दिया गया, 9 में इसे नरेगा के स्थान पर मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के नाम से जाना गया, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है परिवार में जो है एक व्यक्ति को न्यूनतम 100 दिन के लिए जो है रोजगार देने की इसमें जो है बात की गई कि 100 दिन उनको रोजगार दिया जाएगा, और इसमें जो है किसी भी तरीके का जो है OBC SC ST जैसे शर्त लागू नहीं किए गए, क्योंकि अन्य कार्यक्रमों में ये होता था कि सामान्यतः गरीबी रेखा के नीचे, लेकिन ये रोजगार से संबंधित था इसलिए सभी प्रकार के परिवारों को इसमें शामिल किया गया। और भारत निर्माण कार्यक्रम ये 5 बिंदुओं से संबंधित था, 5 बिंदुओं में इसमें घर, सड़क, पेयजल, सिंचाई और बिजली की व्यवस्था थी, इससे जो है अवसंरचनात्मक ढांचे को विकसित करने का प्रयास किया गया। तो ये जो है मूलभूत कार्यक्रम है जो कहीं ना कहीं भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। 2005 ईस्वी में भारत में जो है RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट को जो है पारित किया गया, तो 2009 है ये, 2009, और इसे 1 अप्रैल 2010 को इसे सभी क्षेत्रों में लागू कर दिया गया, 1 अप्रैल 2010 से इसे सभी क्षेत्रों में लागू किया गया। इसी तरीके से 2013 ईस्वी में देखा जाए, 2013 ईस्वी में आकर के
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन लोगों के कुपोषण और पर्याप्त मात्रा में भोजन की व्यवस्था करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ किया गया और इसके अंतर्गत ये व्यवस्था की गई कि ग्रामीण क्षेत्र के 75% शहरी क्षेत्र के 50% टोटल जनसंख्या का लगभग 67% जनसंख्या को इसमें कवर करने का प्रयास किया गया और परिवार के एक सदस्य को एक यूनिट मानकर के प्रत्येक यूनिट पर 5 किलोग्राम खाद्यान्न यानी कि 2 किलोग्राम सामान्यतया जो है चावल और 3 किलोग्राम गेहूं देने की व्यवस्था की गई। कहीं कहीं पर इसमें मोटे अनाज भी दिए जाते हैं जो कि 5 किलोग्राम के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये व्यवस्था सरकार के द्वारा सुनिश्चित की गई और यह एक लक्षित कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस टॉपिक से भारत में बहुआयामी जो निर्धनता की स्थिति है उसकी परिभाषा, उसके निर्धनता रेखा, विभिन्न प्रकार के समूहों में क्या स्थिति, वैश्विक स्तर पर उसके कारण क्या है, उसके निवारण को जो हम लोगों ने जानने का जो प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ये इस बुक का जो है सेकेंड लास्ट है। अब अगला लेक्चर हम लोग अगले टॉपिक को लेकर के जो है जल्द ही आएंगे। तब तक आप अपनी जो है इसकी तैयारी को जो है करते रहिए और इसके आधार पर इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते रहिए, क्योंकि ये कहानी आधारित जो विश्लेषण है वो आपको न केवल प्रारंभिक परीक्षा बल्कि मुख्य परीक्षा में उत्तर को लिखने में आपका मदद करेगा। और अगले लेक्चर में हम अगला टॉपिक और अंतिम टॉपिक इस बुक का लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।